एक जंगल में एक पेड़ पर टुक टुक चिड़े का घर था। टुक टुक चिड़ा एक मुस्लिम था और वह गांव गांव घूमकर कच्चा बादाम बेचा करता था। रमजान का महीना शुरू होने वाला था, इसलिए टुक टुक रात में अपने घर के बाहर चांद देखने के लिए बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में चांद निकला और टुक टुक को चांद नजर आ गया। थोड़ी देर बाद टुक टुक अपने कमरे में गया और बोला, खुदा का शुक्र है जो चांद नजर आ गया, अब मुझे कल से रोजा रखना है। लेकिन घर में कुछ भी तो नहीं है, आखिर मैं क्या सुबह को सहरी करूंगा। अगली सुबह टुक टुक बिना कुछ खाए पानी पीकर ही रोजा रख लिया। या खुदा, मैंने तो रोजा रख लिया है, मुझे तुझ पे भरोसा है, तू मेरी मदद जरूर करेगा। इतना कह के टुक टुक अपनी साइकिल लेकर कच्चा बादाम बेचने के लिए निकल पड़ता है। वह दिन भर इधर उधर घूम घूम के कच्चा बादाम बेचता है। अरे भाई साहब, कच्चा बादाम कैसे दिए? कालू कौवे ने टुक टुक से पूछा। अरे भाई साहब, मोल भाव क्या है, आप जितना चाहिए उतना दे दीजिएगा, बताइए आपको कुल कितने कच्चे बादाम चाहिए? ऐसी बात है तो 1 किलो कच्चा बादाम दे दो मुझे, जरा मेरे घर बहू आई है तो उसी के लिए ले जा रहा हूँ, उसने मेरे लिए खास यह कहकर मंगवाया है। अच्छा कालू भैया, तू बहू के लिए कच्चा बादाम ले जा रहे हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जाइए, जरा आप ठहरिए, मैं अभी आपको कच्चा बादाम देता हूँ। इसी तरह टुक टुक को कच्चा बादाम बेचते बेचते शाम हो जाती है और अफ्तारी का समय हो जाता है। टुक टुक अपनी साइकिल एक घर के आगे लगाता है और उस घर के मालिक को आवाज देता है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, कोई घर में है? जरा मुझे पानी की जरूरत है। उस घर में अमन नाम का एक हिंदू चिड़ा रहता था। वह टुक टुक की आवाज सुनकर बोला, अरे लगता है कोई बाहर आया हुआ है और वह मुझे बुला रहा है, चलो चलकर देखता हूँ कि आखिर वह मुझे क्यों बुला रहा है। ऐसा कह के अमन टुक टुक के पास जाता है और टुक टुक से पूछता है, अरे भाई साहब क्या बात है, आपने मुझे आवाज दी, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? अमन के पूछने पर टुक टुक ने उसे बताया, अरे भाई साहब, मुझे पानी की जरूरत है, दरअसल मैंने आज रोजा रखा है और मैं अपने साथ पानी लाना भूल गया हूँ, अफ्तारी का समय भी हो रहा है, मुझे अपना रोजा खोलना है, इसीलिए मुझे आपसे थोड़ी पानी की मदद चाहिए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, आप अंदर आइए, मैं आपको पानी भी दूंगा और रोटियां भी, आप इसे अपना ही घर समझिए। लेकिन भाई साहब, मैं आपके घर में कैसे जा सकता हूँ, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं एक मुसलमान हूँ। देखिए भाई साहब, आप मुसलमान होने से पहले एक इंसान हैं और मैं भी एक इंसान हूँ, एक इंसान को एक दूसरे इंसान के घर जाने में कैसी शर्म? आप मुझे अपना छोटा भाई समझिए और मेरे साथ मेरे घर में चलिए। अमन की बातें मानकर टुक टुक उसके घर में जाता है और अमन द्वारा दी गई रोटियों से अपना रोजा खोलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रोटी और पानी देने के लिए, अल्लाह से मैंने इसके बदले आपके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी हैं। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, खुदा से मेरी यही दुआ है। इतना बोल के टुक टुक अपनी साइकिल लिए हुए अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। आखिर में दोस्तों, मैं टुक टुक आप सभी बच्चों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस भारत देश में कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सब आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई।